नैया कुमार को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं लाएंगे। मनोज तिवारी को हराने आए हैं? वो उसके बाप नहीं हरा पाएगा, 7 जन्म ले तब भी नहीं हरा पाएगा मनोज तिवारी को। वो यमुना बिहार में जूते पड़ेंगे उसमें कन्हैया कुमार क्या है? एक आतंकवादी है कन्हैया कुमार, भारत में रह रहा, भारत के टुकड़े कर रहा, सांसद बनने को चाह रहा है वो। ये गधे लदलद के और ऐसे कांग्रेस के पिट्ठू है, ऐसे मर जाएंगे। जिसने 70 साल देश को बर्बाद कर दिया वो साला क्या करेगा? वो पागल। मोदी ने जो करा आज दिन तक किसी ने नहीं करा। एक आदमी के पीछे 50 पार्टियां लग गई, यही सब सही ईमानदार सारे सही है, और एक बेकार आदमी तो राहुल गांधी बेवकूफ। उसे इतनी सभ्यता नहीं अपने से बड़े के साथ कैसे बोलना चाहिए, बड़े से बोलता है वो मोदी। कांग्रेस का विनाश का राज है राहुल बाबा। अगर राहुल जी अगर हट जाए, बहुत अच्छे कांग्रेस में अच्छे नेता भी हैं जो आना चाहते हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा। आज नरेंद्र अपने लवली जी ने इस्तीफा क्यों दिया? टुकड़े गैंग का आकर यहाँ पे उसको बाहरी को दे दिया। दुनिया की ताकत चाहे आ जाए, मोदी ही आएगा। और अभी और 10 साल आएगा। 10 साल में अभी तो ही नहीं आए, जब जमुना पार में काम करने के लिए बताओ आज तक। मनोज तिवारी आज तक नहीं आए, आज के नहीं आए, नच के जाए वो तो। कन्हैया कुमार को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे। कन्हैया कुमार हाँ जीतेगा। बिहार से तो हरा के भगाया नहीं है, जीतेगा। हाँ वो जीतेगा। कन्हैया कुमार को बिहार से भगाया जीतेगा। कन्हैया जीतेगा भाईजान, 1 लाख से जीतेगा, बहुत बड़ा जीतेगा वो। उन पर आरोप लगते हैं कि वो देशद्रोही हैं, उन्होंने देश के टुकड़े करने के आरोप। आरोप तो ऐसे कोई भी लग सकता है भाईजान, ये तो कोई भी। उन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई हमें क्या क्या दिया है आज? भारत सरकार ने जेल में क्यों डाला? फिर बता दो आज तक क्या दिया हमें? अरे कन्हैया पे तो आरोप लगाता है, हमेशा तो तड़ी पार रह चुका है, इसे गुजरात में घुसने की इजाजत नहीं थी। कन्हैया कुमार को लाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? जो देश के टुकड़े को सपोर्ट कर रहा है ना, सुन लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये तड़ी पार है, ये इनको ज्यादा नॉलेज है ना। तड़ी पार नहीं रह चुका। अरे यार तुमसे बड़ा तड़ी पार कौन है यार? बेकार की बात कर रहे थे तुम दोनों। तड़ी पार हो नंबर एक के बदमाश गुंडे हो तुम, कांग्रेस के गुंडे हो। ये कांग्रेस के गुंडे हैं, ये कांग्रेस के गुंडे। हम बीजेपी के गुंडे नहीं, सेंसा। आप मुझे बताइए कन्हैया कुमार क्यों चाहिए? भाई साहब दोगले इंसान, दोगले खारे देश का दोष के। अरे जा यार, बड़े बुरे दोगलेपन की बात करते तुम। तुम्हारी से क्या डकैती मार ली है? पागल मुगला का आदमी है ये। देश का गद्दार कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार कौन है? जो देश के टुकड़े टुकड़े करता है वो हमारे लिए कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है, सारे को बिहार मार बार जूते भगाऊंगा बार बार। बदलने आए वो, दिल्ली क्या बदलेगा? अपना हर घर बदल ले, वो अपना घर बदल ले। हम जैसे को तो बुला नहीं जाता ना मीडिया पे। मनोज तिवारी को हराने आए हैं? वो उसके बाप नहीं हरा पाएगा, 7 जन्म ले तब भी नहीं हरा पाएगा मनोज तिवारी को। ऐसा क्या किया मनोज तिवारी ने? मनोज तिवारी ने कुछ ना किया, वो सब कुछ किया उसने। वो ने देश के नारे नहीं लगाए कि देश को टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये नारे लगाए थे, मुझे बताइए नारे लगाए थे? करिए नारे लगाए तो उसे जेल में होना चाहिए। इनका सीएम, इनका पीएम, इनका संसद भेजेंगे आप, इसलिए संसद जेल। श्री मोदी कर रहा, किसी को जेल में नहीं भेज रहा। नहीं किसी को जेल में नहीं भेजा तब तो ये बदनाम कर रहे हैं। इनके जैसे गद्दार जब वो किसी को जेल में नहीं भेज रहा है तब तो उसे बदनाम कर रहे हैं। मुझे जेल में डालेगा फिर ये क्या करेंगे ऐसे गद्दार? केजरीवाल को जेल में डाला तो आपको आपत्ति हो गई? हाँ, पूरी है इनको, पूरी आपत्ति है, क्योंकि इनके घर भी रिश्वत आती है, इनके घर भी आई है। अगर अगर मैं पहली बार दो मुख्यमंत्री सिटिंग एक पे एक फ्री मिल रही थी ठीक है, तब ये लोग खुश थे कि इन्हें कोई मतलब नहीं था। हम भी मीडिया में नौकरी करके छोड़ चुका हूँ, इन्हें कुछ नहीं पता। ये सब अंधेरी दुनिया में आज भी जी रहे, जी जाए मर जाएंगे। गधे हैं गधे, ये गधे लदलद के और ऐसे कांग्रेस के पिट्ठू है, ऐसे मर जाएंगे। जिसने 70 साल देश को बर्बाद कर दिया वो साला क्या करेगा? वो पागल। कौन को तेरा तुम्हारा वो राहुल गांधी देगा 20 करोड़ तुम्हारा? नहीं मोदी ने जो करा किसी ने आज दिन तक नहीं करा। किसी ने नहीं करा और ना कोई करेगा। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ मोदी देश में चाहे, मोदी ने सब कुछ जो आज दिन तक किसी ने नहीं करा वो मोदी ने करा। मोदी ने वो दिया है, सीना चौड़ा करके जीते हम। वो दिया मोदी ने, क्या नहीं दिया मोदी ने? क्या नहीं दिया मोदी ने? मोदी से परेशान पता कौन है? जिसकी आगे से कट रही है, जिसकी पीछे से फट रही है। मोदी से वो परेशान है, कोई परेशान नहीं है मोदी से। नहीं मोदी ने क्या नहीं किया? यही लोग परेशान है मोदी से, और कोई परेशान नहीं है। जो गंदे लोग हैं वो परेशान है, जो भ्रष्ट लोग हैं वो परेशान है मोदी से। राहुल गांधी कह रहे खाली खाली लोटा दिया जनता को।
राहुल गांधी है क्या? उसकी दादी ने पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया, उसकी दादी ने पूरा, और जो कोई बोलता था उसके खिलाफ उसी को जेल में डाल देती थी, समझे? राहुल गांधी नंबर एक पागल है, मेंटल है, वो कुछ नहीं कर सकता। इटली वापस अगर एक बार प्रधानमंत्री बन गया ना, सब पैसा समेट के देश को बेच जाएगा, इटली भाग जाएगा। वो कह रहे हैं मोदी को पहाड़ों में भेजेंगे, योगी को पहाड़ों में भेजेंगे। मोदी पहाड़ों में नहीं जाएगा, वो तो पहली सन्यासी है, वो न पहाड़ों में गया न जाएगा। एक दूसरे को गलत मत बोलो, ये जितने भी नेता होते हैं ना एक ही ताली के चट्टे बट्टे होते हैं, इनकी बुराई के लिए आपके लिए कौन भलाई करो, भलाई करो भाई, मुझे मैं तो गणतज्ञ की ओर से बोलता हूँ, हमें फांसी लगा दे, इनकी बुराई करो, कोई भी सही मोदी हो राहुल गांधी, इनकी बुराई करो या भलाई। एक आदमी के पीछे 50 पार्टियां लग गई, यही सब सही ईमानदार सारे सही है, और एक बेकार आदमी, जो बेकार है उसके पीछे, जो मतलब जो सही आदमी उसके पीछे सारे लग गए, यही से देख जनता बेवकूफ है, जनता समझ नहीं रही। मेरी समझ में मोदी ईमानदार है, बढ़िया आदमी, ऐसा कोई नहीं है, होना अभी तक आया है कोई, ठीक है ना वो? तो आप उन्हें क्यों गलत बोल रहे हो, आपके हिसाब से वो ठीक है ना? वो अंकल थे, आप गाली बकरे थे उन्हें, वो कह रहा भगोड़ा है वो, और क्या कहता था, तड़ी पार है अमित शाह और मोदी तड़ी पार है, इसकी माने ऐसी तैसी करी, किसने तड़ी पार कर दिया, कब कहाँ दिखाए तड़ी पार कर रखा है? तो राहुल गांधी बेवकूफ, उसे इतनी सभ्यता दी अपने से बड़े के साथ कैसे बोलना चाहिए, बड़े से बोलता है वो मोदी ऐसा है, वो मोदी वैसा, उसे यही समझ नहीं, अपने से बड़े से मान सम्मान और इज्जत के साथ बोला, और देश का प्रधानमंत्री बोला श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे कह रहे हैं, वो नालायक क्या हमारी वो करते हैं, एक दूसरे को सब बोलते हैं ऐसे, ऐसी भाषा क्या क्या कहने, जो विपक्षी पार्टियां इन्होंने मिट्टी खराब कर ली अपनी मोदी के खिलाफ। भाई मेरी बता सुनो, आप परेशान मत हो, दुनिया की ताकत चाहे आ जाए मोदी ही आएगा, और अभी और 10 साल आएगा, इस इलेक्शन के बाद छोड़ो, 10 अभी 2 इलेक्शन और आएगा। कांग्रेस का डर, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर तीसरी बार भाजपा सरकार आती है तो देश का इनके बिस्तर बन जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ पर, आइए इसका संविधान बदल देगी, संविधान क्यों बदला जाएगा, संविधान बदलने वाली क्या बात है, संविधान में फेर बदल तो कभी भी हो सकता है, बात तो वही रहेगी, बात तो वही रहती है, कोई चीज ऐसे कानून है, कानून इंदिरा गांधी ने संविधान का प्रीएम्बल चेंज नहीं किया था ना, संशोधन किए, इंदिरा गांधी ने 2 वर्ड ऐड किए थे, सरकार से भी ज्यादा, नहीं 2 वर्ड ऐड किए थे हमारे प्रीएम्बल में, एक तो सेक्युलर, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं था, जो हमारा संविधान का ओरिजिनल है ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था उसका प्रीएम्बल, जो उसकी पिक्चर्स हैं वो अभी आर्काइव में है, सबके पास है, तो कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, एक धर्म ग्रंथ है, वो हर एक को फॉलो करना है। एक रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी जी इलेक्शन लड़ने लायक नहीं है, वो अमेठी से ही लड़ रहे, उन्हें पता कि अमेठी के अंदर काम हो जाएंगे, वही ना वो लड़ रहे रायबरेली से, ठीक है। और तीसरी बात रही है विधानसभा की, हम चाह रहे थे इस विधानसभा में यहाँ का लोकल कैंडिडेट लड़े लोकसभा के अंदर, वाय कन्हैया कुमार बेगूसराय का था, लालू ने भगा दिया उसको कि तू लड़ेगा नहीं बेगूसराय से, उसकी जनता ने भी हरा के भगाया, नहीं वो तो भगाया अलग था, लेकिन उसकी इच्छा वही थी, यहाँ आया, आपको लगता है वो जीतेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, ये जनता बता कह रही थी, नहीं यहाँ की जनता बता कह रही, क्या क्या कन्हैया कुमार को जिताएंगे आप? भाई अगर जितान जो जीतेगा ना, जिसके साथ पब्लिक खड़ी होगी वो जीतेगा, आप भी तो पब्लिक यही तो पूछना है कि आप किसे जिताएंगे, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस अब आएगी, वोट मेरी मर्जी, मैं चैलेंज के साथ बूथ में जाके भी बोलता हूं, मैं तो बाहर लगा देता हूं, दबा देता हूं बटन, मेरा वोट है मेरे से, चौराहे पे लगवा लो, मैं चौराहे पे दबा दूंगा। हाँ, आपको लग रहा है 75 साल में जो अब तक कांग्रेस करते आई है, वो इस वाले 10 साल में कुछ ऐसा कर जाएगी जो आने वाला समय देखेगा? ना राहुल गांधी, हम एक चुटकी में गरीबी हटा देंगे। मैं बता रहा हूँ अभी राहुल गांधी ने ये बोला था अगर हमारी सरकार आती है तो हम क्या करते हैं, जितने भी मतलब जो भी अमीर लोग हैं इनका पैसा लेकर हम माइनॉरिटीज में दे देंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, जो कमा रहे हैं मेहनत की कमाई कमा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? अब माइनॉरिटीज को तुम दे दोगे सारे पैसे, तुम तो छोटे लोगों को देख रहे हो, अब जनरल कास्ट वालों अभी उनकी भी बैंड बजी पड़ी है, वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं तब भी पेपर क्लियर करते हैं। कांग्रेस कन्हैया जैसों को वोट वो दे रहे हैं टिकट, तो पब्लिक पागल है? कन्हैया ने देश के टुकड़े कर रहा है, वो आतंकवादी है,
देश के टुकड़े कर रहा है, भारत में रह के ही वो देश के टुकड़े कर रहा है, तो कांग्रेस तो आतंकवादी जितना होगा उसको ही सपोर्ट करेगी। अगर होता तो आज से पहले कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? मोदी जी के पीछे लग रहे हैं, अरे मोदी जी गलत हैं तो क्यों पीछे लग रहे हो? मोदी जी ने काम करा है धरातल पे, ए टू जेड तक काम करे हैं। मोदी ने देश को बेचा, राहुल जी से पार्टी से हट जाओ उसका सुधार हो जाएगा कांग्रेस का। अगर राहुल जी पार्टी से उतर जाए तो राहुल जी का सुधार हो सकता है, और राहुल जी जितने कांग्रेस से चिपके रहेंगे मट्टी खराब हो जाएगी कांग्रेस की। मोदी जी के पीछे लग रहे हैं, मोदी जी ने काम नहीं करे, मोदी ने देश को बेचा है या बचाया? बचाया है मोदी, मोदी ने देश को बेचा है या बचाया? बोलिए सर, क्या नाम है आपका? जो भी काम कर रहा है बढ़िया है, कुछ कर देते ये तो इनके लिए भी कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। मोदी ने देश को बचाया है या बेचा है? ये बचाया, ये देश को सब बचा ही रहा है, बेचे कौन है, सब बचा भी देश को, वही उनको दे रहे हैं। मोदी जी ने पक्षपात करा है क्या? हंगामा अपनी जितना हंगामा अपनी इंडिया में नहीं है, जितना उससे ज्यादा पाकिस्तान के दस्त लगे हुए हैं। पाकिस्तान को रोज देखो मीडिया संसद में सब मोदी की खबर चल रही है, उनको टट्टियां लगी हैं समझे। पहले रोज बम फटते थे दिल्ली में, इसी दिल्ली में रोज बम फटते थे, दिवाली पे, हर त्योहारों पे, ईद पे, हमेशा बम फटते थे। अब कहीं अभी तक 10 साल होने जा रहे, कहीं बम फटा नहीं फटा, पहले क्यों फटते थे? आज भी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं मोदी, नफरत कर रहा है, वो सबको दिया, मुसलमानों भाइयों को बराबर दे रहा है, हिंदुओं भाइयों को बराबर दे रहा है, हर गरीब को दे रहा है, हर पैसे वाले की जो सुविधा वो गरीब की जो सुविधा हर गरीब को मिल रही है, साथ सबका विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, नफरत की राजनीति। आज मुसलमान भी जानते हैं, मुसलमान हिंदू सब जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो मुसलमान को आज तक उनको पिछड़ा गया है, उनको आज तक पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, वो आज एक वोट के लिए उनको रोटी की सिर्फ दी गई, उनको रोटी, दो रोटी की जगह एक रोटी दी है मुसलमानों को, अगर वो देते तो आज मुसलमान भी अच्छी जगह होते, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को छला गया है, बिल्कुल छलाया गया है, आज भी छलाया जा रहा है। एक मिनट, मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भी काम अच्छा करा, मोदी भी काम अच्छा कर रहा है, सब दोनों कांग्रेस ने भी अच्छा किया, मोदी ने अच्छा। कांग्रेस ने हमारी समय में जब से मेरी उम्र होगी 58 साल की, कुछ अच्छा नहीं किया, सब बुरा ही बुरा उसने किया, क्या होती कांग्रेस अच्छा करती तो? कांग्रेस का विनाश का राज है राहुल बाबा, अगर राहुल जी अगर हट जाए, बहुत अच्छे कांग्रेस में अच्छे नेता भी हैं जो आना चाहते हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा। आज नरेंद्र अपने लवली जी ने इस्तीफा क्यों दिया? टुकड़े गैंग का आकर यहाँ पे उसको बाहरी को दे दिया, जो टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग का, इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, तू जीत के दिखा लियो, आप संसद भेजेंगे उन्हें भाई साहब, मतलब ही संसद नहीं हो, घर भेज जाएगा वापस, यहाँ अगर आएगा यहाँ उसमें जूते पड़ेंगे, जूते भरे रोड में से जूते इतने लगाएंगे, कर रहा है उसकी पूजा होगी, वो यमुना बिहार में जो जूते पड़ेंगे उसमें कन्हैया कुमार क्या है, एक आतंकवादी है कन्हैया कुमार, भारत में रह रहा, भारत के टुकड़े कर रहा, आज संसद बनने को चाह रहा है वो, संसद नहीं भेजेगी, नहीं भेजेगी, दिखा रहा है ऐसा गद्दार आदमी, मुंह कैसे इस भारत देश में दिखा रहा हूँ, टिकट लेके आ रहा है, हैं ऐसा गद्दार जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। 7 सीट यहाँ यमुना विहार की ना, पूरे दिल्ली की फिक्स है बीजेपी को, तो ईवीएम पहले ही हैक हो गई, ईवीएम हैक की ये उनकी नजर में हो गई, ये उनकी नजर में हैंग हो गई, ये जहाँ वो जीतते तहाँ हैक नहीं होती, जहाँ नहीं जहाँ हारते वहाँ हैंग हो गई, हैक नहीं कर सकता ईवीएम को, कोई हैक नहीं कर सकता, चैलेंज कर रहे हैं आज भी, कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई ब्लेम नहीं है, आज भी चैलेंज कर रही है, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए, बता देंगे कि मैं उसका बताता हूँ, बैलेट पेपर कांग्रेस अगर पंजाब में जो बैलेट पेपर जो कहाँ जहाँ जहाँ जीती है, गोवा में जीती, अपना इसमें हिमाचल में जीती कांग्रेस, क्यों जीती बैलेट पेपर अगर उसमें ईवीएम में गड़बड़ होती तभी तो जीती ना भाई, लेकिन सबका साथ सबका विकास मोदी जी के साथ में सारी की सारा, ऐसा नहीं 400 पार, एक उम्मीद एक इच्छा होती है लोगों की, इच्छा है चाहे मुसलमान है हिंदू, मुसलमान भी चाहता है कि मोदी आए देश के लिए, हाँ छोटी जो राजनीति की है, छोटे लेवल पे जो राजनीति का वो चलती है, आते हैं मोदी आए देश के लिए, जो काम अच्छा करेगा वो ही आएगा, इसका फैसला जनता करेगी। आपने तय किया है कि किसने काम अच्छा किया, किसने उसको 58 साल मिले कांग्रेस को और भाजपा को 10 साल मिले, काम मोदी दोनों ने किसने बताया, मोदी भी काम सही कर रहा है, ऐसी बात नहीं, मैं काम कांग्रेस ने भी सही कर रहा हूँ कि भाई इन्होंने इतने साल में कांग्रेस को आगे नहीं आने दिया, कांग्रेस ने खुद, और आज भी वही हो रहा है, और देख लेना आप 400 पार कह रहे हो, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ऊपर वाली बात बता रहा हूँ, इनकी भाइयों की कह रहा हूँ, मुसलमान भाइयों की, आज 400 पार से 100% जो राजीव गांधी 414 सीटें लाया था, हमारा दिल कहता 414 पार आएगी, जो सारे बहुमत जो हमारे सारे काम होने वो 414 के पार होंगे। एक बात बोलना चाहूँगा बड़ी, है ना, आप बुरा मत मानना, है ना, जो अब मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब पहले क्या डर लगता था कि अगर मोदी आएगा तो ये हिंदुत्व राज मतलब राष्ट्र बन जाएगा, बट अब जो ये चल रहा है ना, मोदी ऐसा नहीं है कि हिंदू को लेकर चल रहा है, वो सबका विकास देख रहा है।